धोती पहनलो सुनते ही हैवान बना बेटा 76 साल के पिता को दी खौफनाक मौत। बेंगलुरु के बन्ने घट्टा इलाके में एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया, जिसका कारण कुछ और नहीं बल्कि धोती है। मिली जानकारी के अनुसार पिता ने अपने बेटे को शॉर्ट्स की जगह धोती पहनने की सलाह दी थी, जिसके बाद शराब के नशे में बेटे ने अपने पिता का सिर दीवार पर दे मारा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बेंगलुरु शहर से एक खौफनाक मामला सामने आया है। शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके बन्नेर घट्टा के पास एक शराबी व्यक्ति ने अपने पिता को लात घूंसों से पीट पीट कर मार डाला। घटना की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बता दें कि लड़के के पिता ने उसे शॉर्ट्स की जगह धोती पहनने का सुझाव दिया था। बस इसी बात पर युवक आग बबूला हो गया और उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। 76 वर्षीय वेलायुधन और उनके बेटे विनोद कुमार उम्र 42 वर्षीय दोनों केरल के सबरीमाला के पास एक गांव के रहने वाले थे और जनता कॉलोनी में रहते थे। धोती पहनने के लिए कहते थे पिता, बेटे ने कर दी हत्या। प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि विनोद ने शनिवार रात को अपने पिता का सिर दीवार पर दे मारा जब वह चारपाई पर बैठे थे। इसके बाद विनोद ने उन्हें धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया और 10 से अधिक बार लाते मारी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। शराब पीने के बाद पिता और बेटे में हुई बहस। उनके अनुसार विनोद ने शनिवार को उन्हें 300 रुपए दिए और शराब लाने को कहा। उन्होंने कहा, मैं शराब लेकर आया, मेरे पिता और विनोद दोनों ने साथ में शराब पी और फिर दोनों में बहस हो गई, जिसके बाद हत्या कर दी गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की गर्दन पर चाकू से वार करने का कोई निशान नहीं था, लेकिन विनोद द्वारा किए गए क्रूर हमले के कारण वेलायुधन की मौत हो गई। विमल ने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल करके घटना की जानकारी दी।